न्यूज़ क्लिक की तरफ से आप सबका खबरची भाषा के साथ मीडिया पर खरी खरी कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। खबरची यानी जो सबकी खबर ले और सबकी खबर दे, और तो और खबर देने वाली मीडिया की भी खबर ले, बिना लाग लपेट काग दृष्टि के साथ सीधे सीधी बात, खबरों की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ न्यूज़ पर बातें हो जाएं कुछ खरी खरी। We are against the death penalty. They pick up these political. हिंसा भड़काने के लिए आपको वाह मोदी जी वाह वाह वाह। क्या आप टैलेंटेड हैं, मोटिवेटेड हैं, नेशन बिल्डिंग राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं? हैं क्या, तो दौड़ पड़िए। केंद्र सरकार ने आपको सीधे सीधे संयुक्त सचिव बनाने के लिए दरवाजे खोल दिए। मोदी गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड 10 पोजीशंस ऑफ जॉइंट सेक्रेटरीज थ्रू इट्स लैटरल स्कीम। केंद्र सरकार को चाहिए विशेषज्ञ, लेकिन डिग्री की अनिवार्यता रखी है सिर्फ स्नातक। ना आपको आईएएस की कठिन परीक्षा में बैठना होगा, ना प्रीलिम्स, ना मेन, ना इंटरव्यू, सबसे मुक्ति। ना 15 साल 20 साल गांव देहात में पोस्टिंग का झंझट, सीधे संयुक्त सचिव। वाह मोदी जी वाह। आईएएस और यूपीएससी को ख़त्म करने के लिए क्या राह चुनी है, एक तीर से कई निशाने। आरएसएस का आरक्षण खत्म करने का एजेंडा भी लागू, और ना कोई हंगामा। देश में आईएएस चुनने की प्रक्रिया का संवैधानिक जिम्मा संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के पास है। यूपीएससी की पूरी प्रक्रिया को धता बताकर मोदी सरकार ने तथाकथित प्रतिभा यहां कोट अनकोट कर लीजिए, कि खोज के लिए संयुक्त सचिव स्तर पर भर्ती का रास्ता खोल दिया है, और इस तरह से संवैधानिक ढांचे को कुंद करने और अपने मनमर्जी के लोगों को भर्ती करने का काम किया है। ये काम जिस खामोशी और मनमर्जी से किया गया है, उससे इसके पीछे के मंसूबों पर बात होनी जरूरी हो जाती है। अगर कोई संदेह रह भी गया हो, तो उस विज्ञापन की भाषा अपने आप बहुत चीजें कह देती है। विज्ञापन में कहा गया है, जो लोग राष्ट्र निर्माण के योगदान में काम करना चाहते हैं, सहयोग देना चाहते हैं, उन्हें भारत सरकार में संयुक्त सचिव पद पर काम करने के लिए आमंत्रित करती है। ध्यान दीजिए, देखिए यह विज्ञापन। इस विज्ञापन में टैलेंटेड, मोटिवेटेड, नेशन बिल्डिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल दिमाग में बत्ती जलाने के लिए काफ़ी है, लेकिन अपने मीडिया की बत्ती जली नहीं, बल्कि वह तो आगे बढ़ चढ़कर सरकार को यह सुझाव दे रहा है कि इतनी कम सीटें क्यों खोली गई, खाली 10 पे क्यों बात हो रही है। वो बात कर रहे हैं कि लेटरल भर्ती और होनी चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, तमाम न्यूज़ चैनल हो, सब के सब इसे प्रतिभा का सम्मान बता रहे हैं। इसके विरोध में उठी आवाज़ों, ऐसा नहीं है कि इसके विरोध में लोग आवाज़ें नहीं उठा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया से लेकर प्रेस रिलीज जारी हो रही हैं, लोग ट्विटर पर इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उन तमाम आवाज़ों को जो मुख्य धारा का मीडिया है वो नज़रअंदाज कर रहा है। सारा शोशा इस बात का है कि इस कदम से भारतीय नौकरशाही में प्रतिभा की एंट्री होगी। गोया के चुनांचे अभी तक यूपीएससी से चुन के आने वाले लोग प्रतिभागी प्रतिभावान नहीं होते। आखिर क्यों? क्योंकि इसमें दलित, ओबीसी, आदिवासी वर्ग के लोग आते हैं। क्यों इसमें मुसलमान नौजवान आते हैं? क्या इसलिए अपने लोगों जो मोटिवेटेड हैं, जो राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनके लिए क्या कुछ करने को आतुर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी यह सरकार? और मीडिया इस सरकार के खतरनाक मंसूबों को का पर्दाफाश करने, उस पर सवाल उठाने के बजाय उसके साथ कदम ताल करता नजर आ रहा है। Well, obviously, it's to broaden the talent pool that the government has, and certainly, of course, trying to get a different set of sort of ideas rather than those with different experiences, different from those who have come up to the usual regular UPSC system. Globalization और आर्थिक उदारीकरण की ऐसी पट्टी आंखों में बंधी है कि उन्हें समझ आना बंद हो गया है कि देश की नौकरशाही,
जिसके बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको ये बहुत प्रेरणा स्रोत मानते हैं, उन्होंने तक कहा था कि नौकरशाही का निष्पक्ष होना, उनके चुनाव का निष्पक्ष होना कितना ज़रूरी है देश में एकता को बनाए रखने के लिए और समरसता को बनाए रखने के लिए। सवाल ये है कि जब खुद आईएएस बोल रहे हैं, वो खुद बता भी रहे हैं, बहुत आक्रोश है कि यह तो एक सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इससे पहले भी सरकार ने बताया है कि फाउंडेशन कोर्स जो बच्चे चुने जाते हैं, जो प्रतिभागी चुने जाते हैं, उनके बाद जब उनका कैडर का निर्धारण होता है, उस फाउंडेशन कोर्स के बाद डिसाइड होगा, के बाद फैसला करना चाहती है सरकार कि किसको कौन सा वर्ग मिलेगा। हालांकि अभी तक उसे आगे कर नहीं पाई है, लेकिन ये मंशा जाहिर कर दी है। इससे ऐसा लगता है कि इरादे सरकार के, एक जो संवैधानिक संस्था है, जो बची हुई संवैधानिक संस्था है, जिसकी साख है, पूरी जो प्रक्रिया है यूपीएससी की, आईएएस की जो पूरी संस्था है, उसे ध्वस्त करने, उसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है। और इसमें, इस कोशिश पर कोई सवालिया निशान लगाता हुआ मीडिया नहीं दिखाई देता है। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की मुख्यालय नागपुर यात्रा ने मीडिया को पका पकाया मसाला दे दिया। टुडे आई एम हियर amidst you to share my understanding with you the concepts of nation, nationalism and patriotism. सबने उसमें अपने हिसाब से कुछ मिर्च, कुछ नमक, कुछ मसाला डाला और लाइव काटा। संघ का एक जलसा जो सालाना है, उसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में पहुंचा दिया गया। पहली बार संघ की सहिष्णुता बनाम विपक्ष की असहिष्णुता पर बहस मुभाषे हुए, प्राइम टाइम हुआ, संपादकीय लिखे गए। इक्का दुक्का अखबारों को छोड़ दें और एक दो टीवी चैनलों को छोड़ दें तो तकरीबन सब संघ की टोपी पहनकर संघ के गान पर साथ में खड़े थे और बता रहे थे कि देश में हिंदुत्व का एजेंडा किस तरह से चलाने के लिए प्रतिबद्ध एक संस्था देश की मुख्य धारा को निर्धारित कर रही है। जो भारत को देश नहीं भारत माता मानते थे, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, आरएसएस के संस्थापक, उनके बारे में जो बातें देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विजिटर बुक में लिखी, वो देश के लिए डॉक्टर हेडगेवार की अहमियत बताने के लिए काफी है। प्रणब मुखर्जी ने लिखा है, मैं आज यहाँ भारत माँ के महान सपूत केशव बलिराम हेडगेवार जी को आदर और श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में 31 दिसंबर पिछले साल का और एक पहली जनवरी को जो आंदोलन हुआ था, जो एक बड़ा जलसा वहां पर किया गया था, उसके खिलाफ एक लंबे समय से जो अभियान चल रहा था, उसके बारे में सरकार ने घोषणा की कि यह माओवादी आंदोलन था, इसमें माओवादियों की बड़ी पैठ थी, और इस बारे में देश के अन्य अन्य हिस्सों से 5 लोगों को, 5 एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया। You can go on arresting people under false charges like this. क्या लोकतंत्र अब भी कुछ बाकी बचा है यहाँ? जो भी प्रोटेस्ट करता है उसको माओवादी बना देते हैं। इन गिरफ्तारियों पर किस तरह से बात होती है ये हम देखेंगे। और इसके साथ साथ जो और एक अहम काम भारतीय खुफिया विभाग, भारतीय पुलिस, पुणे पुलिस ने किया कि इस पूरी साजिश को बताया कि यह मोदी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की जो साजिश थी उसका यह हिस्सा था। एक पत्र मिला, उस पत्र पर लंबी चौड़ी बहसें हुई। माना गया कि वो जो पत्र मिला है सरकार की तरफ से, जिसको कैसे दिखाने की होड़ लगी हुई थी, सबसे पहले वो किसके पास पत्र आया, और उस पत्र को बिल्कुल एक गवाह मानकर, एक प्रमाण मानकर मीडिया घरानों ने प्रकाश अंबेडकर से लेके तमाम लोगों तक सीधे सीधे ऐसे बात की, सीधे सीधे ऐसे पूछा जैसे मान लो यह प्रमाण, यह जांच करने का जिम्मा मीडिया के पास है, और वो सीधे पूछ रहे हैं कि आप माओवादी हैं, ये जो पूरा दलित आंदोलन था ये माओवादी आंदोलन था।
We have more updates coming in on this big story. Times Now confronted Prakash Ambedkar and he refused to comment on the Maoist plot to kill Prime Minister Narendra Modi. That's the new update that we have for you. Let's listen into what exactly he had to say when Times Now confronted Prakash Ambedkar with some tough questions. इस तरह से पूरा जो माहौल बनाया गया, मतलब उस पत्र को लेकर सोशल मीडिया से लेकर ट्विटर पे बहुत चीड़फाड़ हुई, लेकिन उस चीड़फाड़ का जो रिफ्लेक्शन है, जो उसकी प्रतिध्वनियाँ हैं, वो मुख्यधारा की मीडिया में नहीं दिखाई दी। जो सवाल उठ रहे थे कि कैसे एक जो पूरा माओवादी संगठन है वो यह बताएगा कि वो क्या क्या करने जा रहा है, नाम भी लिखेगा, वो अलग बहस का मुद्दा था। लेकिन उन तमाम चीज़ों पर सवाल उठाने के बजाय, यह पूछने के बजाय कि यह पत्र कैसे मिला और क्या जो पूरा दलित आंदोलन वहां पर शुरू हुआ था, जिसमें जो दोषी थे हिंसा फैलाने वाले, चाहे वो संभाजी भिंडे हों या मिलिंद हों, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय महाराष्ट्र सरकार रातों रात 5 लोगों को गिरफ्तार करती है और एक बड़ी साजिश का हिस्सा बनती है। यहां इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले गुजरात में मुख्यमंत्री थे, उस समय भी इसी तरह की उनको मारने की धमकियां मिली थी, बातें हुई थी, और उनके बारे में जो लोग पकड़े गए थे, चाहे वो इशरत जहां का फर्जी इनकाउंटर का मामला हो, चाहे वो अक्षरधाम वाला मामला हो, उसमें सालों बहस चलने के बाद पता चला था कि ऐसा कुछ नहीं था। जो गिरफ्तार किए गए थे वो निर्दोष थे। ग्राफ है जो गिरता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो इस तरह का जो खतरा दिखाया जाता है, क्या यह उससे जुड़ा हुआ मामला है? ये सवाल, ये जो परेशान कुन सवाल हैं, ये मीडिया ने नहीं उठाए। मीडिया ने बस खाली ये बताया कि जो उनको लेटर मिला है, जो पत्र उनको मिला है, वही अंतिम सत्य है। ये कहा जाता है उस चिट्ठी में कि मोदी को रोकना है, अपनी पार्टी को अगर खत्म होने से बचाना है तो और कोई रास्ता नहीं है, मोदी की हत्या का प्लान तैयार किया जाए, पीएम मोदी को रोड शो के दौरान टारगेट किया जाए। अब बताइए, इस तरह की सोच रखने वाला क्या आतंकी के अलावा कोई और हो सकता है? और इस अंतिम सत्य को लेकर पूरा जो दलित उभार देश में चल रहा था और खास तौर से महाराष्ट्र में चल रहा था, उस पर सवाल, और इसके साथ साथ जो पत्र में जो जानकारी दी गई थी, रोड शो की जो बात थी, और उस रोड शो के बारे में जिन लोगों ने सवाल उठाया कि कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री का रोड शो करा रहे थे, उनके खिलाफ आप देखिए किस तरह से ट्विटर पर और सोशल मीडिया पे और मुख्यधारा की मीडिया पर बहस चली। ये तमाम चीज़ें, जो पूरा माहौल बन रहा है, यह माहौल बहुत कुछ अपने आप में कह रहा है। चलते चलते दो चीज़ों का जिक्र ज़रूरी लगता है। पिछले दिनों अरुंधति राय ने BBC को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के बाद तो मीडिया में और ख़ास तौर से कुछ TV चैनलों में तो बिल्कुल कोहराम मच गया। My dear viewers, a lobby has been tolerated for a very long time in India. It's an anti-national lobby. And I really think that the time has come that someone should just, pardon my language, tell them to shut up. They should be shut up. This lobby makes a living. उन्होंने बताया कि भारत तोड़ो गैंग की वापसी हो रही है। उन्होंने बताया कि किस तरह से देश को और प्रधानमंत्री को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही हैं। ये सारी जो माहौल था, पैदा किया गया माहौल, जिसमें जो बात अरुंधति कह रही हैं, उनकी जो आलोचना भी अगर आप करना चाहते हैं तो किस दृष्टि से करेंगे, उस पर नहीं बात हुई। टुडे यू आर लुकिंग एट अ सिचुएशन वेयर द मुस्लिम कम्युनिटी हैज़ बीन गेटोवाइज्ड, यू आर लुकिंग एट पीपल बीइंग लिंच्ड ऑन द स्ट्रीट्स, you are looking at them being pushed out of economic activity they participated in earlier, you know, meat shops, leather work, handicrafts, all of this is under assault, you know, the violence in India is terrifying. Aur iske sath hi Gorakhpur mein Dr. Kafil, jo pichle dino jab se Yogi sarkar aayi aur khaas taur se Gorakhpur mein jo bachchon ki हत्याएं हुई, मौतें हुई अस्पताल में, उसके बाद उनको ही दोषी बना के लंबे समय तक जेल में रखा, अभी वो बेल पर, जमानत पर बाहर हैं, उनके भाई काशिफ जमील पर 3 गोलियां चली।
कौन लोग थे हमला करने वाले, क्या उद्देश्य था हमला करने वालों का, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसके बारे में डॉक्टर कफील ने भी कहा कि वो बहुत परेशान है, लेकिन हमारे मीडिया ने जैसे बाकी लोगों की परेशानी नहीं समझी, वैसे ही उनकी परेशानी पर भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, कोई ख़ास बात नहीं हुई, रिपोर्टरों को नहीं भेजा गया, ये पता लगाने की कोशिश नहीं की गई कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो लगातार हिंसा हो रही है, चाहे वो फर्जी इंकाउंटर के ज़रिए हो या इस तरह से टारगेटेड हिंसा हो, चुन चुन के लोगों को निशाने पर लिया जा रहा है, उसकी वजह क्या है। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते पैनी नज़र और छुपते हुए सवालों के साथ। करते हैं मिलकर पड़ताल हमारे आपके मीडिया की। शुक्रिया, सलाम। We are against the death penalty. They pick up these हिंसा भड़काने के लिए आपको वाह मोदी।